अंजले ए अंजले अंजले ओए अंजले मत तुम तू मुझे ए अंजले अरे मैया। दोस्तों अगर आपको जानवर बहुत ही ज्यादा पसंद है तो ये वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। देख के उनकी हरकतों को आप अपने हंसी को नहीं रोक पाओगे और कुछ ऐसे हरकतें हैं जिन्हें देख के आप उनके लिए तालियां बजाना चाहोगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने मूवी में देखा होगा कि कैसे सुपर हीरो फाइट करते हैं तो पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये देखो दो बोले आपस में लड़ाई करके कैसे पूरी की पूरी दुकान ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। I guess the bowl of water was to cool their heads. क्या बात है, मुझे नहीं पता कि जू में लोग इस तरह की एक्टिविटी करना क्यों पसंद करते हैं। भाई देखो कैसे बेयर भी इसे बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ देख रहा है। अच्छा है ये। अब इन बिल्लियों की लड़ाई ने तो मेरा मूड बना दिया। दुनिया की सबसे जो ब्रेव एनिमल होता है वो कैट होता है, लेकिन उनकी जो ब्रेवरी होती है ना कभी कभी उन्हें ही डिस्ट्रॉय कर देती है। इस वीडियो में देखो एनिमल्स का लड़ाई दिखने में तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखता है, लेकिन कभी कभी वो फनी भी दिखता है इनकी तरह। I am that skunk. क्या आपने इस तरह के कभी कैट को लड़ाई करते हुए देखा है? देखो ये कमाल की लड़ाई करते हुए दिख रही है भाई, मतलब एक बार आप भी पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओगे और देखने लगोगे कि जीता कौन आखिर। लोग कहते हैं कि जानवर से मत डरो, उन्हें टच करो, उन्हें प्यार करो, और मीन मैन देखो ये जानवर क्या करते हैं आपके साथ। मतलब इसकी बॉडी देख रहे हो भाई, इसके लिए तो 100 on 100 देना पड़ेगा। मतलब क्या कमाल की बॉडी भाई सामने बना रखी है। Don't you scratch my window. कैमरा बंद करो यार, पहले तो किचन के लोगों को बिल्लियों से सतर्क रहना पड़ता था, लेकिन आप देखो भालू से भी उन्हें सतर्क रहना पड़ता है। यहाँ पे देख लो कैसे किचन के अंदर ही भालू घुस जाता है। Thankfully, the bear only needed a hug, so he wasn't harmed. ये कुछ नहीं, इस हाथी को अपना पिछवाड़ा साफ करना था इस कार के ऊपर, और पिछवाड़ा साफ करते करते इसने क्या सियापे किए हैं। इसकी गलती थोड़ी है जो इसका पिछवाड़ा इतना बड़ा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।
हाथी को तो पता चल रहा था, लेकिन ये कुत्ता आखिर कर क्या रहा है भाई? मतलब लिटरली अपने मालिक की कार के साथ इसने जो मजाक किया है वो इसके मालिक को जिंदगी भर याद रहेगा। मंकी जो होते हैं बहुत ही ज्यादा चलाक होता है, ये तो जानते ही हो, लेकिन अपने एंचेस्टर से मिलो जो इतने ज्यादा चलाक हो गए, इस बंदे को जाने भी नहीं दे रहे अब ये देखो, ये अलग टाइप का ही रोमांस चल रहा है, मतलब डोंट डिस्टर्ब देम। A few moments later. I'd be mad too if I was named Frederick. No, I said no. Go on. Get. Get your ass out of here. Well, that's great. और देखो, छोटे छोटे कैसे चूहे भी मिलके एक बड़े व्यक्ति को हरा सकता है। कैट की बहादुरी को देखो, कैसे ये टीम अप हो जाती है अपने बुली के अगेंस्ट। Brave, but I do think they need more practice. अगर आपके अंदर क्षमता हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। चूहा देखो कैसे एक सांप को भगा रहा है, भगा भगा के मार रहा है भाई, मतलब लाइक इसके लिए कर देना। जंगलों में डिस्टर्ब करने चल गए थे इन बियर्स को, और उसके बाद इन भालुओं ने इन्हें कुदा कुदा के मजा चखाया है। लेकिन नो आर्मीज हार्म, तो लाइक करना इसके लिए। बिल्लियों की लड़ाई देखने में मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है। इन बिल्ली मासी को ही देख लो। इंस्टिगेटर, what's new? अगर जंगल में आप कभी जा रहे हो तो इन्हें भी लिफ्ट चाहिए होता है। आप देखो, इन्हें भी उठा लेना, अपने घर में बैठा लेना यार, इन्हें भी कहीं जाना होता है। अब इसे कहते हैं जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आया है। जैसे कि आप देख सकते हो, हालांकि इनका मोटर जो है वो वर्क कर रहा था और जान बच गई, वरना ये एडवेंचर इन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। भाई मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बताना कि ये लड़ाई हो रही है या फिर किस करने की कोशिश हो रही है।
भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है, क्या बात है। कहते हैं बंदर बहुत ही ज्यादा शैतान होते हैं, लेकिन इस वाले वीडियो को देख के पता चल जाएगा कि वो शैतान नहीं होते, वो जान बुझ के करते हैं ऐसा। पंछियों के साथ तो आप कमजोर सोच के देखो कैसे ये बंदा उनके साथ मस्ती कर रहा था, लेकिन देखो कैसे वो भी उड़ के इन्हें मजा चखा देती है। This turkey will not let me get back in my mail truck. I've got to reload my mail. आपने बहुत सारे लड़कों को देखा होगा कि कैसे लड़कों को जब लड़कियों पे क्रश होता है तो उसके आगे पीछे करते हैं, लेकिन ये देखो टर्की को भी लड़की के क्रश हो जाता है और उसके बाद ये देखो कैसे इसे ये आता है जाता है, मतलब ये लव स्टोरी काफी क्यूट है यार, इसके लिए लाइक तो कर देना है। What?